स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटना के द्वारा जो इंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया है उसके बारे में। दोस्तों आपको वीडियो में रिजल्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ ही काउंसलिंग आपका कैसे होगा, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, इसके बारे में आपको जानकारी है वो मिल जाएगी। तो आपको बता दें कि ये इंट्रेंस एग्जाम है वो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, उसके बाद पारा मेडिकल कोर्स और फार्मेसी जैसे कोर्स में एडमिशन के लिए लिया गया था। आपका एग्जाम है वो 15 सितंबर को हो गया था और अभी तक रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया है। रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट इस महीने के लास्ट तक जारी हो जाएगा। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 30 तक आपका रिजल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हम पासिंग मार्क्स के बारे में बात करें तो दोस्तों पासिंग मार्क्स है वो कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है कि कितने नंबर लाने वाले को यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, कितने को फेल्ड क्लियर कर दिया जाएगा। लोग अपने मन से आपको बता दे रहे हैं कि 30% पासिंग मार्क्स है, 33% पासिंग मार्क्स है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से कहीं पे कोई पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो फिक्स नहीं किया गया है। रिजल्ट है जो जारी किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से उस पर आपका मार्क्स है वो शो नहीं करता है। मार्क्स शो नहीं करता है तो कट ऑफ की कोई बात ही नहीं आती है। अगर मार्क्स शो करता तो कट ऑफ पता चलता कि इतना कट ऑफ है वो इस कैटेगरी वाले का गया है। यहाँ पे बस एलिजिबल लिखा रहता है रिजल्ट में और उसके बाद आपको कॉलेज जा करके वहाँ काउंसलिंग करवा करके अपना एडमिशन है वो कन्फर्म करना होता है। एक और जो सवाल रहता है कम मार्क्स आने पर भी एडमिशन होगा या नहीं, तो आपको बता दें इसमें मार्क्स की कोई बात ही नहीं है। तो आप एग्जाम में अपियर हुए हैं और एग्जाम में आपका कुछ भी मार्क्स आता है तो आपका एडमिशन है वो हो जाएगा। एडमिशन जनरली पैसे पे ही होता है, मैक्सिमम सीट है वो सारे कॉलेज में भरे हुए हैं, वो सारे स्टूडेंट अपना बुक करवा के रखे। जैसे ही रिजल्ट आएगा वो कॉलेज जाएंगे, वहाँ पे अपना रिजल्ट है वो नाम अपना शो करवाएंगे कि सर मेरा देखिए ये रिजल्ट में नाम है और आप मेरा एडमिशन है वो कन्फर्म कर दो। तो वहाँ जो भी मैनेजमेंट होगा वो आपका काउंसलिंग है वो करवा करके आपका डॉक्यूमेंट सारा जमा लेगा, उसके बाद आपका एडमिशन है वो कन्फर्म कर देगा। तो हम प्रूफ के लिए आपको बता रहे हैं कि जो 2023 में बुर्जेट का एग्जाम हुआ था इसमें देखिए इस तरह से जब बस कैंडिडेट का लिस्ट का है वो जारी किया गया था, जिसमें जो भी लोग एग्जाम में अपियर हुए थे रोल नंबर आप देखोगे आपको सीरियली नंबर से सारे का मैच हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे एलिजिबल है, आप सोच सकते हैं कि सारे सीरियल नंबर से सारे स्टूडेंट एलिजिबल कैसे हो जाते हैं। अगर किसी का मार्क्स के बेसिस पे लेता, अगर 33% या 35% इसका पासिंग परसेंटेज रखा जाता तो सारे लोग एलिजिबल नहीं होते। यहाँ पे जितने भी लोग हैं एग्जाम दिया है सारे का रोल नंबर आपको सीरियली नंबर से मैच कर जाएगा। आप चाहो तो मेरा पिछले साल का वीडियो है वो भी देख सकते हो, चैनल पे अपलोडेड है। दोस्तों यहाँ पे आपको एलिजिबल नॉट एलिजिबल में सारे को एलिजिबल है वो कर दिया जाता है और फिर आपका एडमिशन का प्रक्रिया है वो शुरू हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग का है तो यहाँ पे भी सेम आपको इसी तरह का मिलेगा। अब जो लोग एग्जाम ही नहीं देगा उसका नाम तो यहाँ पे नहीं रहेगा, लेकिन जो भी लोग अपियर होगा सारे लोग का नाम है वो लिस्ट में जारी कर दिया जाता है और फिर आपको एडमिशन है वो लेना होता है। इससे पहले मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक तरह से फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम होता है, इसमें पासिंग परसेंटेज का कोई ये नहीं रहता है। आप एग्जाम दिए हैं, आपका सीट बुकिंग है तो एडमिशन है वो हर हाल में हो ही जाएगा। दोस्तों हम काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो काउंसलिंग है वो आपको कॉलेज लेवल पे होता है। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम देते होंगे, आप समझो नीट का ही देते हो, तो उसका काउंसलिंग का पोर्टल बनाया जाता है, वहाँ पे आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग सब करना पड़ता है, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है तब जा करके एडमिशन होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप जहाँ पे भी सीट बुकिंग करवाए हैं या फिर नहीं करवाए हैं तो आपको जहाँ पे भी एडमिशन लेना है वहाँ पे आप जाओगे, अपना रिजल्ट है वो दिखाओगे, उसके बाद अगर सीट खाली होगा तो वो लोग अपना एडमिशन है वो वहीं पे करवा देगा। इसके लिए आपको कोई चॉइस फिलिंग नहीं करना होता है, नहीं आपका सीट अलॉटमेंट होता है, ऑलरेडी सारे सीट है वो स्टूडेंट बुक करवाए हुए हैं तो फिर आपका यहाँ पे चॉइस फिलिंग की कोई बात ही नहीं होती है। उसके बाद में आपको बता दें एक कुर्जी हॉस्पिटल है, वहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो वो लोग काउंसलिंग करवाते हैं कॉलेज लेवल पे, वहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। उसके बाद आपको जिस दिन भी बुलाया जाएगा आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे अपियर होना होगा, जिसका भी फॉर्म पहले सबमिट हुआ होगा वैसे ही सीरियल वाइज आपको बुलाया जाएगा। आपका सारा डॉक्यूमेंट अगर सही है तो फिर आपको वहाँ पे एडमिशन है वो कन्फर्म कर दिया जाता है। तो इसके अलावा काउंसलिंग का और एडमिशन का नोटिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी के तरफ से जारी किया जाएगा। पहले आपका रिजल्ट आएगा, उसी के साथ आपको एक नोटिफिकेशन है वो भी दे दिया जाएगा और उसमें डेट मेंशन रहेगा कि आपको इस डेट से इस डेट के बीच में एडमिशन है वो करवा लेना है। तो
तो आप जो भी लोग जहाँ पे सीट बुकिंग करवाए हैं या फिर नहीं करवाए हैं, तो जहाँ पे भी एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे जा करके आप कॉन्टैक्ट करोगे, आप अपना रिजल्ट दिखाओगे, उसके बाद आपका एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी सी जानकारी थी, और आपको बता दें कि आपको परेशान नहीं होना है, रिजल्ट बस ऐसे ही जारी किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा किसी भी तरह का कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।